हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। किशोरी जी डिज़ाइनर बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे डिज़ाइनर प्रिंसेस कट में स्लीवलेस ब्लाउज। तो उसकी कटिंग देखिए, हमने इसमें 6 इंच का तीरा लिया है और 6.5 हमने इसका आर्म होल लिया है। अब हम इसके जो ब्रस्ट है उसकी फिटिंग लगाएंगे। तो ये हमने इसमें 1.5 इंच की लूजिंग देते हुए इसमें इसका ब्रश निशान लगा लिया है और एक्स्ट्रा में 3 इंच की हमने इसमें लूजिंग दी है नीचे, क्योंकि इसमें हमें प्रिंसेस कट करना है इसलिए। तो उसके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है। तो अब हम इसको कट कर लेंगे पहले, बाद में हम आपको इसका जो इसकी जो प्लेटें हैं उनका निशान बताएँगे। ये हमारा इनर का कपड़ा है, पहले हम इनर के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है, इनर की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब इनर को हम मेन फैब्रिक के ऊपर बिछा के इसको ऐसे कैसे कटिंग कर लेंगे। इसको मेन फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में बिछाया है। इसमें हम बैक और पार्ट इसमें हम फ्रंट और बैक दोनों एक साथ ही कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें ये हमें साइड जिप वाला ब्लाउज बनाना है। इसकी हमें पहले अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे नीचे से कटिंग वगैरह करके। अब ये हमने इसको अलग करके जो इसका बैक पार्ट है उसको पहले अलग कर लेंगे, इनर का भी और जो ये मेन फैब्रिक है इसका भी। अब जो फ्रंट पार्ट है हम पहले उसकी कटिंग करेंगे। तो ये मैं इस पे मेन फैब्रिक पे हमने इनर को बिछा के अब हम इसका जो प्रिंसेस कट वाला निशान है वो लगाएंगे। तो वो हमने आपको पहले भी 2-3 वीडियो में बता रखा है, तो उसी तरह से हमें ये निशान लगाना है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शायद आपको थोड़ी आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई दे रही होगी, उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ अच्छे से बताने की। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है प्रिंसेस कट में दोनों तरफ से। इसमें हमने इनर की और जो मेन फैब्रिक है उसकी एक साथ में ही कटिंग कर ली है। ये देखिए, अब इसको जो फ्रंट पार्ट इसको साइड में करते हैं पहले और इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी स्लीव्स जो है हमें 14 इंच की लेंथ में रखनी है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इसको स्लीवलेस बनाएंगे, तो उसके लिए पहले है ना हम इसकी स्लीव्स एक्स्ट्रा के लिए काट रहे हैं कि भाई बाद में हम इनको लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। अब ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है, अब हम उसमें पहले इसके जो साइड में कट किया था प्रिंसेस कट, पहले हम उसकी सिलाई करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसका नेक बनाना है और इसका नेक हमें थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक में देना है, तो वो बोट नेक में ये बनेगा। तो 3.25 इंच पे हम इसकी चौड़ाई रखते हुए और 3 इंच लेंथ इसकी रख के हम इस पे निशान लगा के इसको बोट नेक में पहले इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और नीचे से हमें इसमें छोटा सा कट देना है डिज़ाइन के लिए, तो उसके लिए हम इसमें गैप रख के, क्योंकि 6 इंच की हमें टोटल लेंथ रखनी है जो हमारा नेक है, 6 इंच के बीच में ही हमें वो डिज़ाइन बनाना है। तो उसमें हमें ये थोड़ा सा लीफ कट रखा है, उस तरह से हमने ये मार्क कर लिया। ये हमने इसमें कटिंग कर दी है, ये देखिए इस तरह से ये कुछ ऐसा लुक देगा हमारा ब्लाउज। तो अब हम इसके स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने इसमें बीच में जो कट किया है उसके ऊपर हम
सिलाई लगाएंगे। इसको चारों तरफ से हम सिलाई लगाते हुए कवर कर लेंगे। जितना भी हमारा ये डिज़ाइन है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस पर छोटे छोटे कट देते हुए इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा डिज़ाइन जो है वो बनके तैयार हो गया है। अब इसके जो साइड वाली ये प्रिंसेस कट है, अब हम उसको जोड़ लेंगे। इसको जोड़ने का तरीका भी हमने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया था, तो उसी तरह से हम इसको जोड़ते चले जाएँगे। इसमें कोई दोनों कपड़े हमें बराबर रखने होंगे, किसी में भी ज़्यादा लूजिंग नहीं छोड़े ना ही टाइट खींचे, उसी हिसाब से। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज जो है बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? किशोरी जी डिज़ाइन बुटीक में आपका स्वागत है। तो ये देखिए साड़ी हमारी, तो साड़ी का लुक तो आपने देख लिया था। अब आप उस साड़ी से जो फाइनल ड्रेस बनी है उसका लुक और देख लीजिए। ये उसी में जो इस साड़ी का जो प्लेन पार्ट था उसी में से हमने इसका प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाया है। और इसमें ये डिजाइनर नेक दिया है, ये बोट नेक में है, स्लीवलेस ये ब्लाउज बनाया है हमने। और फुल घेर का ये स्कर्ट बनाई है।